पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से ही उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल मैना मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को चलो। तब उनकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, पहले मैंने जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया? अस्तु, इस समय मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो मैं अपनी तपस्या से उन्हें भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यहाँ बुलाऊंगी। महाभागण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है, यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका, भाई मैनाक और पिता हिमालय और मंदरांचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसे कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो आए। वे वहां से लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतृप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ली। बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतृप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी की व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरजा की तपस्या का ही फल है। यह जानकर मैं उनके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा, भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतृप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए। अमरु, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पारिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादि देव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहां उनके आश्रम में जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हटी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्दत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयंकर नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था,
उसी प्रकार वे हमें भी दग कर डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें दग नहीं करेंगे। तुम लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परात्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकमणि शिव के दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी की तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी के रूप धारण किए हुए योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर स्वरूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों के द्वारा उनका स्तवन किया।